यहां आने से पहले पार्टी हाईकमान से बात करके आए। आप अभी पार्टी के महामंत्री हैं, ये महामंत्री आप रहेंगे। आज से जिंदाबाद। आप पूरे जम्मू कश्मीर के जो सेल होते हैं पार्टी के, 22 अलग अलग विंग होते हैं, उन विंग को कोऑर्डिनेट करने वाली कमेटी होती है, उसके को कन्वीनर पूरे जम्मू कश्मीर के आप रहेंगे, क्योंकि आपने बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल दिखाया है। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं ये वादा करता हूं, जीत के जो जाएंगे बुखारी साहब, उस जीत का सेहरा बेटे के सर पर होगा, सुहेल का। और मैं तीसरी बात कहने लगा हूं, मिन्हाज साहब गवाह हैं, मिन्हाज साहब को पता है मैं जो कहता हूं वो मैं करवाता हूं। सरकार बनेगी और सरकार में सुहेल साहब को भी काम दिया जाएगा, पदवी दी जाएगी। एक एमएलए के लेवल का रैंक और प्रयास होगा। हम पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड बनाने वाले हैं, उस पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड में अच्छे अच्छे नौजवानों को सलाहकार के रूप में लेना है, ताकि पहाड़ी स्टेटस देने से कुछ नहीं होना, बस जैसे इनको कहा है पढ़ाना है। मैं झूठ बोलना नहीं, ऐसी बात कहनी नहीं, कि पहाड़ी के बच्चे को जैसे किताब पहुंचे, वो पढ़े, आगे बढ़े। हमने इस बार फैसला किया है कि अलग अलग कम्युनिटी के बोर्ड बनाने और उनके 8-10 मेंबर बनाकर उनको कहना है कि आप इस कम्युनिटी में जाओ और उस कम्युनिटी का 5 साल का मास्टर प्लान बनाओ। स्वयं साहब 5 साल का मास्टर प्लान बनाओ और उन 5 सालों में कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हो। जब हम अगली बार वोट मांगने आए 2029 में, तब आप में से लोग आके कहें कि आपको हेलीकॉप्टर लेके नहीं आना है, हम यहां से जिता के वहां बंदा भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक बात मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं,